Hello kids, welcome to my channel online math study time, and today I am here with class 5 math chapter 3 factors and multiples. So before starting today's video, I request you all to subscribe my channel. Those who are watching first time, those kids who are new on my channel, please subscribe so that you will get all important videos of class 5 math. ठीक है बच्चों, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ फिफ्थ का मैथ समझने में किसी भी टॉपिक में, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे. आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी. आई हैव अपलोडेड चैप्टर 1 and 2 वीडियोस. नाउ वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 3. तो चैप्टर 3 का ये सेकेंड पार्ट है. ठीक है बच्चों, और इसमें आप सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5, 7, 9, 10 and 11. मतलब बिना डिवाइड किए हम किसी भी बड़े से बड़े ग्रेटर नंबर को कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या वो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके आप उसको बिना डिवाइड किए आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं. ओके बच्चों, तो आपको बहुत केयरफुली वीडियो देखना है, स्टार्टिंग से एंड तक स्किप नहीं करना है, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें. ओके, so look at this first rule, that is the divisibility rule of 2 and 3. सबसे पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 3 का, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. So divisibility by 2, it is very easy. So when you divide any number by 2, what you need to check, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि the digit in the ones place शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8. कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसमें जो वंस प्लेस डिजिट है, ठीक है बच्चों, वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर होगा 0, 2, 4, 6 या 8 में से, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल लाइक 1234 में वंस प्लेस डिजिट है 4, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. आप बिना डिवाइड किए येस आंसर कह सकते हैं श्योरली. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2468 में वंस प्लेस डिजिट 8 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा. ओके, तो इस तरह से आप बिना डिवीजन के चेक कर सकते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ये रूल्स फॉलो करके. तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3. अब 3 से कैसे चेक करेंगे आप? 3 से बच्चों, जब भी आपको देखना है किसी नंबर को 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, सो द रूल इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए. ठीक है, जैसे कि ये नंबर है 7431, इसमें 4 डिजिट्स हैं 7431, इन सबको ऐड कीजिए तो 7 + 4 + 3 + 1 = 15. अब ये जो आंसर आया ऐड करने के बाद, क्या ये 15 3 से डिविजिबल है? अगर ये 15 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7431 ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3. सो विदाउट चेकिंग, विदाउट डिवाइडिंग, यू कैन से द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो ये 3 का रूल हो गया. अंडरस्टूड? देखिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं और रूल्स सीखने के लिए. नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 and 6. अब इसमें क्या रूल्स फॉलो करेंगे हम? 5 का देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 5, द डिजिट इन द वंस प्लेस शुड बी 5 or 0. या तो वंस प्लेस पर 5 होना चाहिए किसी नंबर में, ठीक है, या 0 होना चाहिए. वंस प्लेस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो 7865 में वंस प्लेस पर 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, एंड 1250 में 0 है वंस प्लेस पर, ये भी 5 से डिवाइड होगा. इसके अलावा कोई भी अगर डिजिट होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. अब 6 का क्या रूल है? 6 में आपको चेक करना है द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ. जो भी नंबर आपको दिया है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा. ओके, तो देखिए, सपोज ये नंबर है 234 है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 234. अब पहले इसको 2 से चेक कीजिए. तो 2 से क्या था रूल, डिविजिबिलिटी रूल? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों, आपको वंस प्लेस डिजिट में चेक करना है कि वंस प्लेस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो वो 2 से डिवाइड होगा. तो यहाँ वंस प्लेस डिजिट 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब हम 3 से चेक करते हैं. 3 से कैसे चेक करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 4 9, 9 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है ना। तो ये जो नंबर 234 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो ये हुआ 5 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आगे चलते हैं, अब है 7 का कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देयर आर 3 स्टेप्स टू चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको जो भी नंबर दिया है उसमें वंस प्लेस डिजिट को डबल कर दीजिए। कोई भी वंस प्लेस डिजिट है, 0 को अगर करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट है उसको डबल कर दीजिए वंस प्लेस पर। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, मतलब डबल करने से जो नंबर मिला वो, और दूसरा जो नंबर आपका बना है रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो डिजिट्स बच गए थे उससे जो नंबर बना है, उन दोनों को माइनस करके, ठीक है, आपको माइनस करना है स्टेप 2 में। थर्ड स्टेप में, नाउ डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 7, जो माइनस करने से नंबर आया है अगर वो नंबर 7 से डिवाइड होता है तो जो गिवन नंबर था आपका स्टार्टिंग में जो नंबर दिया था वो पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि ये नंबर है 854। अब इसमें जो वंस प्लेस डिजिट है, पहला स्टेप देखिए, उसको डबल करना है, 4 का डबल 8 और बाकी क्या बचा 85। 85 माइनस 8 करेंगे 77 आएगा। अब ये 77 क्या 7 से डिवाइड होता है? यस, 77 इज डिविजिबल बाय 7। इट मीन्स 854 इज डिविजिबल बाय 7। बिना डिवाइड किए हमने बता दिया कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब 9 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये रूल बिल्कुल 3 के जैसा ही है। जैसे 3 डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या था, सारे हम डिजिट्स का सम निकाल के चेक करते थे जो आंसर आए वो 3 के टेबल से 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ऐसे ही 9 से चेक करना है, जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को प्लस कर दो, जो आंसर आएगा अगर वो आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि 1359 में 1 + 3 + 5 + 9 करेंगे तो 18 है। 18 is divisible by 9. It means 1359 is divisible by 9. Okay. Now divisibility by 10. The digits in the ones place should be 0, only 0. आपको देखना है कि divisibility by 10 का चेक करते समय वंस प्लेस डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 1240 डिविजिबल बाय 10 एंड 2480 ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, अब इसमें क्या फॉलो करना है हमको, कैसे चेक करना है? द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इधर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। नंबर है 2,67,542। अब वंस प्लेस से स्टार्ट कीजिए। देखिए, वंस प्लेस पे 2 है, 2 इधर लिखे। अब आपको एक एक नंबर छोड़ के स्किप करके ऐड करना है। 2 के बाद आप 5 को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 + 5, देन 5 में ऐड करेंगे 6, 7 नहीं लेना है, 6, ठीक है। तो 2 + 5 + 6 13। अब जो आपने डिजिट्स छोड़े थे, 4 छोड़ा था, 7 भी छोड़ दिया था और ये लास्ट का 2, अब उनको ऐड करेंगे। 4 + 7 + 2 13। तो 2 आंसर आए आपके 13 और 13। इन दोनों को माइनस करके हम चेक करते हैं। 13 - 13 0। तो अगर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो जो स्टार्टिंग में नंबर था वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। ओके सो किड्स, यही थे आज के वीडियो में रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स आपने सीखे। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे आप फैक्टर्स, मल्टीपल्स के बारे में और सीखेंगे, आपको LCM, SCF भी आएगा, तो आप बिना डिवाइड किए आप चेक कर सकते हैं क्या वो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। हमको बहुत ईजी पड़ता है सोल्यूशन निकालने में, इसीलिए ये सीखना ज़रूरी है। ओके बच्चों, सो आई होप आपको यूजफुल होगा वीडियो। समझ में आया होगा। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे डिविजिबिलिटी रूल के, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से देखिए वीडियो को। अगर फिर से नहीं समझ आया आप रिपीटेड देखिए वीडियो, बट यू कैन टेल मी थ्रू कमेंट्स ऑल्सो इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट, आई विल डेफिनेटली हेल्प। सो प्लीज़ सब्सक्राइब and thank you so much for watching my video. We will meet very soon with a new topic, new interesting content. Till then, bye bye, take care, God bless you.